सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के करीबन बज रहे हैं 5:20-5:25 हो रहे हैं और हम निकल गए हैं लोहर दग्गा नगड़ा से। कल हम आए हुए थे यहाँ पे, कैसे आए थे, क्या किए, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। सो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और सूरज देख सकते हो, सनराइज हो रहा है और क्या कमाल लग रहा है। तो बस यार, अब चले घर की ओर, और भी हमारे काम है। सो आज का जो जर्नी होने वाला है करीबन 75-80 किलोमीटर का होने वाला है। और आज से लॉकडाउन में काफ़ी छूट मिली है सुनने में तो आया है। चलो देखते हैं रोड में कैसा माहौल रहता है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए आज हमारे साथ लोहरदगा टू रांची तक का सफ़र। मज़ा आएगा यार, मौसम ठंडा ठंडा है, कल बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हुआ है। तो चलो बढ़ते हैं जी। भाई साहब, हम लोग पहले उठे और मुर्गा अभी जगा रहा है, क्या बात है। हाँ, अलग अलग मोहल्ले का अलग अलग मुर्गा है, अपने अपने टाइम से जगाता है जी सबको। और बस पहुँच गए कूड़ू वाले रोड पे, करीबन 5-6 किलोमीटर चल के। तो दोस्तों ये है कूड़ू चौक, लेफ्ट ले लोगे तो चंदवा डाल्टनगंज वगैरह सारा निकाल देगा। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि दुकानें खुल रही है। आपको पंडरी या चानू। तो भैया पंडरी नामक जगह हम पहुंच गए हैं। और हाईवे से उतर के देखो रोड के कंडीशन, पता नहीं क्यों यहाँ पे हाईवे क्यों नहीं बना यार, इतना अच्छा तो रोड था। गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं बीजू पाड़ा, और यहां से अगर आप लेफ्ट ले लेते हैं तो मैकलुस्कीगंज, फलारी, राय बचरा, जो भी है जितना भी है, मतलब सारा कुछ कट जाता है। तो रोड्स में इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही है, मज़ा नहीं आ रहा ना भैया, मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग फील हो रहा है। गाड़ी दिखता तो अच्छा लगता है, लेकिन एकदम पूरा सन्नाटा है। और 100 का स्पीड मैक्स, सुबह भी है फिर भी दोपहर में भी कितना गाड़ी चलता होगा। हाँ, आज से कुछ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में कुछ नए छूट दिए गए हैं, तो देखो क्या क्या। मगर लोकल गाड़ी भी चलाने का रीज़न यही है ना कि जिसको ज़रूरी है वही निकलेगा। हाँ, जिसको ज़रूरत, हाँ, फालतू का कोई नहीं निकलेगा, जिसको ज़रूरत है वही निकलेगा। और चानों में हमें चेक पोस्ट मिला था, लेकिन क्या हुआ कि किसी ने रोका नहीं। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोगों ने जो पास अप्लाई किया था वो पास हमारा कल अप्रूव हुआ। इस बारे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि मतलब परसों हमने अप्लाई किया था और कल अप्रूव हुआ, तो काफ़ी दिक्कत हो गई। कल हमें परसों ही अप्रूव हो जाता तो कल सुबह हम लोग गाड़ी से निकल जाते, तो इस चीज़ में दिक्कत हुई। अब वो पास अप्रूव हो गया, गाड़ी तो है नहीं, यही सब प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी। इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो बस यहाँ से रांची करीबन 50 होगा। हाँ, सब बाज़ार वाला है ना, लेकिन फिर भी कोई मास्क वगैरह नहीं पहन। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं मांडर, ये अपना जो नानी घर है ना, बस वही वाला है मांडर। Thank you.
फोर व्हीलर्स की चेकिंग है। अच्छा ले रहा था। तो पहुंच गए हैं दोस्तों कंदरी मोड़, कंदरी, और इस जगह का नाम है चील टोली। काफ़ी वाकिफ हूँ मैं इस जगह से। यहाँ पे अभी सब नया खुल गया है, पूरा घर पूरा खाली था, पूरा एकदम टोल भी बना दिया है, चालू नहीं हुआ। टोल के लिए हड़ताल हुआ था कि यहाँ का लोग क्या करेगा, मतलब जो लोकल है यहाँ का, हम लोग का तो रोज़ आवाजाही होता है, तो उसका देखिए। हाँ थोड़ा नेचर कॉल कर लिया जाए। अभी अभी हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों रातू, और जो मैं किला दिखा रहा था जाने वाले वीडियो में, जो मैंने बताया था, देख लो यार यही किला है रातू महाराजा का। सो इट इज़ ब्यूटीफुल, और कभी मौका मिला तो एक्सप्लोर करूंगा इसे। और सामने महाराज का ही फन कैसल है, और सामने आप देख सकते हो रातू महाराज का ही है ये छोटा नागपुर फन कैसल। पहले बहुत बढ़िया था, स्कूल का सारा पिकनिक वगैरह होता था यहाँ पे, लेकिन अब इसका हालत थोड़ा डामाडोल, जब उनका डेथ हो गया उसके बाद थोड़ा सा इसका हालत ख़राब हो गया, नहीं तो पहले बहुत बढ़िया से मेंटेन रहता था। हम लोग आते थे, मज़े करते थे, कम ही आए, दो चार बार आए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता था। ये मतलब हमको लगता है भैया पूरा झारखंड का सबसे पहला था कुछ ऐसा, क्योंकि आज से नहीं, हम लोग जब बच्चे से तब से देख रहे हैं। और वैसे आप 6th क्लास में आए थे बताइए, और ये जो लेक था ये पूरा वहाँ तक था, और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये मैदान बन गया। हाँ उस टाइम रोड वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ पे एकदम सिंगल रोड हुआ करता था और कोई घर नहीं, पूरा खेत। लेकिन अब देखो भाई साहब क्या हो गया, गजब। तो यहाँ से रांची दिखा रहा है दोस्तों 15 किलोमीटर, ठाकुर गांव 15, और रिंग रोड जो है पूरे रांची का, पूरे झारखंड का जो हाईवेज को कनेक्ट करता है वो आगे 2 किलोमीटर पे है। तो बस अपन लोग को बस 15 किलोमीटर जाना है, आगे कांटी टाड़ चौक है। तो गाइस फाइनली 80 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए हैं झारखंड की राजधानी रांची में। 4 डिस्ट्रिक्ट हमने क्रॉस किया और कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई, लेकिन रोड में आके जो हलचल दिख रहा है काफ़ी खुशी हो रहा है कि चलो यार सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन पे आ रहा है वापस। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन एक चीज़ देख के दुख लगा कि कोई भी सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं ना उसको फॉलो नहीं कर रहे यार, क्योंकि कुछ ही कुछ लोग मास्क पहने हुए। तो बस अब घर जाएंगे, और आज का जो हमारा 2-3 काम है आप लोगों के लिए, नए वीडियो की तैयारी भी करना है, कुछ इंटरेस्टिंग लाने वाला, तो आगे की वीडियोस देखते रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। सो बस गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।